अभी इसको हिंदी में किया है, पढ़ते हैं जरा बड़ा करके। बाजार मूल्य और आधार मूल्य के बीच अंतर को समझें। समझाओ भैया। कह रहे हैं कि सभी विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों डीएक्स पर पीवीसी मेटा टोकन का बाजार मूल्य टोकन धारकों द्वारा टोकन लेन देन की संख्या के अनुसार ऊपर या नीचे होता रहता है। बाजार मूल्य कभी भी पीवीसी मेटा टोकन धारकों को सुरक्षित भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकता। बाजार मूल्य कभी भी, अरे भाई कहाँ है कि दुखी किए हो। चल कॉपी कर ली। तो क्या आप हमारे यहाँ लाइट का बड़ा कभी कभी ऊपर नीचे रहता है। बाजार मूल्य कभी भी पीवीसी मेटा टोकन धारकों के सुरक्षित भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। और अरे भाई ये तो बड़ा दुखी कर रहा है, हट नहीं रहा। चलिए अब पीवीसी मेटा टोकन का बेस वैल्यू इसके अनुसार तय किया जाता है। ब्लॉकचेन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या और वेबसाइट पर उनके द्वारा शुरू की गई बीज फंडिंग टोकन खेती जैसे जैसे बीज निधि टोकन खेती में वृद्धि जारी है। पीवीसी मेटा का आधार मूल्य भी बढ़ रहा है। सभी पीवीसी मेटा टोकन धारकों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट पर लेन देन वैल्यू के अनुसार जारी रहेगा। सीड फंडिंग टोकन खेती शुरू करने के लिए सभी विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों एक्स पर बीएसडी यूएसडीटी बीपी20 और बीएनबी आदि की अदला बदली करके पीवीसी मेटा टोकन को आकर्षक बाजार मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। ये है इनका। अब इसका अर्थ समझाइए सर। अब कहाँ समझाएं, अब समझ नहीं गए का का इसमें नई बात है। इसका अर्थ ये है कि बाजार मूल्य मतलब जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर इसका मूल्य ऊपर नीचे हो रहा है उससे, और सेंट्रलाइज जो है जैसे पीबीसी मेटा डॉट कॉम से इसका कोई लेन देन नहीं है। वहां अपना चाहे जो रेट जाए लेकिन इसके इसके रेट को प्रभावित नहीं कर सकता है। हाँ। और आपके सुरक्षित भविष्य को देखते हुए, सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखते हुए टोकन फार्मिंग वाला जो सिस्टम इसमें किया गया है इससे आप तो क्या नाम है सुरक्षित रहेंगे। मतलब आप सुरक्षित हैं, घबराइए मत। ये घबराइए चलिए देखिए क्या करता है अभी तो। हाँ का हम लोग घबरा के क्या कर लेंगे। अभी तो जितने में खरीदा था उससे भी डाउन हो गया। हाँ 2.404 में हमने खरीदा था सर, सीट फंडिंग किया था सब सर। अगर अभी कुछ लोग बेच देना हो, जैसे कुछ लोग नहीं कहते हैं कि जो अरे जी रोज 5 निकल रहा है ले जाके बेचिए ना, ये है वो है, बात समझ रहे हैं। अगर अभी एक दिन सब बेचने पे भी आ जाए एक एक पीवीसी मेटवा तो नहीं ना बिक पाएगा, खत्म ना हो जाएगा, है नहीं ना लिक्विडिटी। ये तो लोग बेच नहीं रहे हैं, क्या करेंगे $1.5 का बेच के। यही है सर, कहाँ जा रहे हैं भाई। हाँ इतना इतना पैसा लगा दिए, इतने दिन से लगा चुके तो अरे हम लोग छोड़ के जाएंगे। अब सिस्टम चला जाए तो अलग बात है ना। तो इसीलिए क्योंकि उसका रेट अभी 150 रुपए तक नीचे चला आया था ना, और भी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अभी सुबह देखा है 1.7। तो वही पीवीसी मेटा डॉट आईओ ओपन करने के बाद
जो पहला चैप्टर लिखा ना जिसको हटाते हैं उसी पे वो नोटिफिकेशन लिख दिया है तो, ताकि हम लोग को डर नहीं लगे कि हाँ सिस्टम क्या कर रहा है, तो वो यही चेतावनी ठीक है। कम से कम सिस्टम कुछ बोलता रहता है तो भरोसा रहता है ना। हाँ हाँ ताकत बनता है कि नहीं सिस्टम सही है। हाँ